सो गाइस, काफी न्यूज निकल के आ रहा है स्पाइडरमैन से रिलेटेड, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, पहली न्यूज ये है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन इन फ्यूचर टॉम हार्डी के वेनम से फाइट करते हुए नजर आ सकता है। और अब ये वेनम 3 में होगा या स्पाइडरमैन 4 में, इस पे बाद में बात करेंगे। और अब आते हैं दूसरी न्यूज पे, जिसमें कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन और डेयरडेविल की मुलाकात स्पाइडरमैन 4 में हो सकती है और पीटर को डेयरडेविल की मदद की जरूरत पड़ सकती है किंगपिन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। देन अब बात करते हैं तीसरे न्यूज पे, तो स्कॉर्पियन भी आपको बहुत जल्दी एमसीयू में देखने को मिलने वाला है अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट के साथ। इससे पहले इस विलेन का कैमियो आपने होमकमिंग में देखा होगा। और फाइनली बहुत लोगों को लग रहा था कि ज़ेंडाया स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद हमें नहीं दिखाई देगी, बट अब ऐसी न्यूज निकल के आ रही है कि ज़ेंडाया वापस हमें स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिल सकती है। अब वो कैसे होगा इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। और फाइनली एक न्यूज स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स से रिलेटेड है, जिसमें हैरी ऑसबॉर्न का कैरेक्टर भी आने वाला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पीटर पार्कर माइल्स मोरालिस के रूममेट के रोल में अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देखने को मिल सकता है। और भी कई ट्विस्ट एंड टर्न हमें अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देखने को मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप स्पाइडरवर्स का ट्रेलर 13 दिसंबर को आने वाला है, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। और आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।